नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कल मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तो आपको क्या एक्शन करना है, क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कल हमने अपना निफ्टी व्यू जो है मंथ जून की एक्सपायरी के लिए, मतलब अगले हफ्ते के लिए पोस्ट किया हुआ है। ये है वो निफ्टी व्यू, और आप इस व्यू को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके का रह सकता है। इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आज मैंने एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे पोस्ट की है, उसका जो वीडियो है वो ये है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को नहीं देखा है, मतलब लेवल्स जो होते हैं, लेवल्स जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर मैं कुछ लेवल्स देता हूँ, अगर वो लेवल्स सस्टेन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो दोस्तों, सस्टेन करने का मतलब क्या होता है, लेवल्स किस तरीके से आपको प्ले करने हैं, वो सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारी इस वाली वीडियो को नहीं देखा जो कि मैंने आज पोस्ट की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका जो लिंक है वो भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर दो स्टॉक्स के बारे में मुझसे पूछा गया है कि टाटा पावर में क्या करें और फ्यूचर रिटेल के अंदर क्या करें, तो वो उसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक दे दूँगा। तो आपको दो स्टॉक के रिकमेंडेशन भी यहाँ पे मिल जाएंगी हाथ के हाथ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या करना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का जो है चार्ट मैंने ओपन किया, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको पहले एक बता देता हूँ चीज़ कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट जो है एक ट्रेंड में फॉलो कर रही है। देखिए, ये जो है एक ट्रेंड है, ठीक है, जो कि आपका ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, वीडियो पूरा देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली आपको करना क्या है, ठीक है। तो मैं दोबारा बनाता हूँ ये लाइन, यहाँ पे से हमने ड्रॉ किया, और ये लाइन को मैं अगर स्ट्रेट करता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि आप भी अपने उसके ऊपर चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि 11 जून से यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और मार्केट जो है इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, दो जगह पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। तो अब मार्केट जो है आप देख सकते हो कि मार्केट में जो है SGX निफ्टी जो है 10,138 के आसपास क्या कहते हैं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 10,138 का जो लेवल आता है वो आता है आपका तकरीबन ओपनिंग के समय आएगा यहाँ पे, ठीक है, 22 तारीख को जब मार्केट 9:15 के ऊपर पहले ओपन होगी तो वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये एक ओपनिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ आपको करना क्या है, वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 15 मिनट के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ टाइम फ्रेम के ऊपर, पुरानी ट्रेंड लाइन जो है हमारी क्या कहते हैं डेफिनेटली बनी हुई है, वो यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमने वहाँ पर क्लिक किया था, क्या कहते हैं बनाया था, तो इस पॉइंट के आसपास जो है मार्केट जो है खुलेगा, ठीक है। अब सपोर्ट कहाँ मिलेगा मार्केट को, वो देखने वाली बात है, वो आपको समझना पड़ेगा पहले से पहले ही, आपको बता दे रहा हूँ पहले से पहले ही कि भाई सपोर्ट अगर मार्केट 10,132 के आसपास खुलेगी तो मार्केट जो है डेफिनेटली एक बार नीचे की तरफ आएगी, और जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 10,000 तो जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो तकरीबन 10:30 बजे तक का जो लेवल है वो 10,050 के आसपास आ रहा है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो अब
पहली चीज़ तो आपने समझ ली कि 10,032-10,050 के ऊपर मतलब मार्केट जो है आ सकता है कल, लेकिन ये आएगा किस कंडीशन में, ये इसका भी मैं आपको एक सवाल इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए मार्केट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना आपको एक अच्छे से अच्छे, ये अगर हम पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ये एक, रुकिएगा ज़रा, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये पुराना ट्रेडिंग सेशन है 19 तारीख का, ठीक है। पुराने ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट जो है इस तरीके से एक चैनल के अंदर चल रही थी जो कि एक अपसाइड चैनल था, ठीक है। ये अपसाइड चैनल है और आपने देखा कि इसके अंदर ही मार्केट ऊपर के चैनल को टच कर रही थी, नीचे को कर रही थी और फिर ऊपर गई। अब ये चैनल का जो लोअर पार्ट है वो डेफिनेटली ब्रेक होगा क्योंकि जो चैनल का जो लोअर पार्ट है वो 10,212 के आसपास है, क्योंकि अब एसजेक्स निफ्टी नीचे है तो एसजेक्स निफ्टी होगा ओपन यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ख्याल क्या रखना है, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन और दिखाता हूँ, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन में आपको एक और ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, एग्जैक्टली आपको लेवल पता लग जाएगा कि किस लेवल के आसपास आपको क्या कहते हैं ये, ठीक है। तो ये वो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा फोकस रखिएगा और मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, एग्जैक्टली पॉइंट पता लग जाएगा आपको करना क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दो ट्रेंड लाइन मिली, एक डाउन ट्रेंड वाली और एक अप ट्रेंड वाली, ठीक है। अप ट्रेंड में तो कंटिन्यू मार्केट है ही, ठीक है। मार्केट खुलेगा इस लेवल के आसपास, ये चैनल जो है ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट को कहाँ कहाँ आपको मार्केट जाएगा, क्या कहते हैं आपका सपोर्ट लेगा, ठीक है, ये चीज़ बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो पहला सपोर्ट जो आ रहा है मार्केट का वो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे से, और तकरीबन पहला सपोर्ट आ रहा है 10,090 के आसपास, ठीक है। 10,090 मैं आपको लिख देता हूँ इस पॉइंट को ताकि आपको याद रहे, पूरा देखिएगा वीडियो को, क्या करना है क्या नहीं करना आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सपोर्ट कल के लिए जो कि 10,090 का, यानी कि मार्केट जो है 10,100 या 10,090 के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद वापसी अपना गैप फिल कर सकती है। गैप फिल करने के लिए मार्केट को कम से कम 10,250 तक दोबारा ऊपर घूमना होगा। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि मार्केट जो है सपोर्ट लेगा इसके आसपास से, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,250 का। तकरीबन आपको 150 पॉइंट आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे इस कंडीशन में, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि 10,090 के आसपास मार्केट को सपोर्ट लेने के बाद, मार्केट जब गिरेगी, मार्केट सपोर्ट लेने के बाद 10,090 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाना चाहिए और वो अपने गैप को रीफिल करेगी सेम डे जैसे कि मार्केट करती है, तो वहाँ पे 10,250 का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गया आपका पहला कंडीशन, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं अपनी दूसरी कंडीशन को, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखने के लिए मुझे अभी जो है एक ये लाइन आपकी जो है ग्रीड करनी पड़ेगी, एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। अभी हमको एक और कंडीशन देखना पड़ेगा कि अगर 10,090 के आसपास मार्केट नहीं रुकता, रुकना चाहिए क्योंकि मार्केट में डाटा जो है थोड़ा सा बुलिश है स्लाइटली, तो मेरे हिसाब से 10,138 के आसपास से मार्केट 10,090 के आसपास रुकना चाहिए और वहाँ से फिर मार्केट अपसाइड मूव करना चाहिए और मार्केट 10,250 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से नहीं टूटता तो अगला सपोर्ट दोस्तों आपको गारंटेड 10,025 के आसपास, 10,020 या 25 के आसपास मिलेगा। तो यानी कि मार्केट डायरेक्टली 10,138 के बाद 10,090 नहीं बचता तो फिर आपको अगला सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा सपोर्ट, 10,030 के आसपास, ठीक है। तो
तो आपको दो सपोर्ट पॉइंट दे दिए मैंने आपको कल के लिए, 10,030 और 10,090। पहला हो गया ये, क्योंकि ये पहले आएगा 10,090, तो इसके आसपास से सपोर्ट लेगा तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा जो कि 10,250 का मैंने लिखा है। 10,030 अगर 10,090 ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आपको 10,030 के लिए वेट करना पड़ेगा। 10,030 के आसपास आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा और फिर आपको फिर दोबारा से टारगेट जो है आपको फिर 10,250 के लिए ही जाना है, क्योंकि वो रीफिल करेगा ही करेगा मार्केट अपने गैप को अगर सपोर्ट लेता है तो, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट पॉइंट हैं कल के लिए और टारगेट जो है 10,250 का है निफ्टी का, ठीक है, और ये आपको प्ले करना है। और अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई कल मार्केट में, ठीक है, तो आपका 10,030 भी अगर ब्रेक कर गया जो कि यहाँ पे है, 10,030 भी अगर ब्रेक कर गया, ठीक है, तो फिर आपको बहुत नीचे जाके मार्केट का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद फिर जो डायरेक्ट मार्केट जो रुकेगा, फिर मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट लेगा दोस्तों, वो लेगा डायरेक्टली आपका इस लेवल के आसपास। ये तो 10,000 का ही लेवल है, ठीक है, 10,030 के बाद जो मार्केट सपोर्ट लेगा दोस्तों वो लेगा 9,936 के आसपास, ठीक है, जो कि आपका थर्ड लेवल रहेगा 9,926, ठीक है। तो इस स्टडी के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कहां कहां पे सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट के आसपास ही केवल आप बाय का ऑर्डर तलाशिएगा जब आपको ये दिखे कि वहां पर सपोर्ट मार्केट ले रहा है। और टारगेट जो रहेगा कल के लिए वो ये रहेगा, जो क्लोजिंग पॉइंट है कल का, जो क्लोजिंग पॉइंट है वो आपका ये वाला है 10,244 का। तो कम से कम 244 है, 250 का टारगेट रखिएगा। सपोर्ट आपको दो जगह मिलेगा, 10,090 का पहला सपोर्ट है, नहीं मिलता यहाँ पे सपोर्ट तो 10,030 पे ही मिलेगा। तो जब ये प्राइस के आसपास मार्केट आपको मिले तब वहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है मार्केट में, क्या वहाँ पे सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं बनता तो बाइंग ऑर्डर मत लगाइएगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो आप डेफिनेटली एक बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो और सपोर्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा 10,250 के आसपास। और आपके ये दोनों सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाते हैं तो फिर आपको फाइनल सपोर्ट जो मिलेगा वो 9,926 पे ही मिलेगा, मतलब मार्केट फिर डेफिनेटली 9,926 तक पहुँचेगी अगर 10,090 और 10,030 के ऊपर मार्केट नहीं रुकता है तो, ठीक है। तो मेरी हिसाब से आपको अब क्लियर हो गया होगा मार्केट में आपको क्या करना है। 10,090 का पहला सपोर्ट, उसके आसपास से मार्केट सपोर्ट लेगा तो बाय करना है, टारगेट लेना है 10,250 का, ठीक है, और वहाँ पर 10,250 के बाद आपको टारगेट अचीव करके बाहर निकल जाना है। 10,090 टूट जाता है तो आप 60 पॉइंट के लिए जा सकते हो डाउन साइड की तरफ, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिख रहा है 10,030 के आसपास, तो 60 पॉइंट का आपको ट्रेंड डाउन साइड में मिल जाएगा अगर 10,090 भी ब्रेक करता है तो। और अगर 10,090 भी ब्रेक कर दे मार्केट खुदा ना खास्ता तो डेफिनेटली 9,926 जाएगा, उसके बाद आपको तुरंत 10,090 के बाद 9,926 मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड मिल सकता है। अप ट्रेंड भी बता दिया मैंने आपको, डाउन ट्रेंड भी बता दिया, दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई हम लोग टाटा पावर का व्यू दे देते हैं, ठीक है, टाटा पावर में हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, ठीक है। टाटा पावर, तो टाटा पावर के बारे में हम देख लेते हैं कि टाटा पावर एक्चुअली में कर क्या रहा है, ठीक है। तो दोस्तों टाटा पावर जो है वो, पहले तो हम इसको एक ट्रेंड लाइन डिसाइड करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन हम देख खींच लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन हम यहाँ से खींचेंगे और ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि जो ये स्टॉक है, ठीक है, जो ये स्टॉक है वो आपका इस ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर एक सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया, और अब चौथा सपोर्ट जो है मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, टाटा पावर का जो मार्केट है उसके हिसाब से यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि आपका निकल के आ रहा है 42.50, ठीक है, 42.50 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए टाटा पावर को, 42.50 के आसपास इसका सपोर्ट है,
ठीक है, तो याद रखिएगा 42.50 के आसपास इसको आप दोबारा से बाय कर सकते हो, क्योंकि ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। और ये ट्रेंड लाइन जो बता रही है वो ये बता रही है कि ये ट्रेंड लाइन एक अप ट्रेंड में है, तो मार्केट का इसका स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है। लेकिन अब आपको कॉशन कहाँ करना है, आपको ध्यान क्या देना है कि अगर ये जो लेवल है जो कि 42.50 का है, ये अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और फिर डायरेक्टली जो इसका जो सपोर्ट है अगला, वो आपका यहाँ पर है 42.15 के ऊपर, मतलब मोटा मोटा 42 के ऊपर है, ठीक है। और 40 अगर फिर ये भी अगर कर देता है तो फिर ये अपनी एक नए ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है, नई ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, जो कि आपकी ये बनती है, ये एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। फिर ये इस स्टॉक का आना ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो ये लाइन 40 मतलब ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा फिर मार्केट। और इसके हिसाब से अगर ये 42 पॉइंट, ये जो मैंने आपको लेवल दिया है 42.50, अगर ये ब्रेक कर देगा ये स्टॉक, तो फिर इसका ऊपर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और फिर ये एक्जैक्टली बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा। और फिर इसका जो लेवल रहेगा 42 का पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो आपका 40 का रहेगा, 40 के आसपास, 40 के आसपास। तो 42.50 जो है इस स्टॉक का बहुत ही ऐसा स्टॉक, ऐसा वो है जहाँ पे इसको डेफिनेटली अगर सपोर्ट लेता है तभी ये ऊपर जा पाएगा। और अगर ये अगर ब्रेक कर देता है इस लेवल को 42.40 को, तो वो टारगेट जो आपको फिर मिलेगा वो इस स्टॉक के अंदर कम से कम 40 रुपीज़ का मिलेगा, 40 ये वाला 40.45, ठीक है। तो ये अब देखते हैं कल क्या होता है, कहाँ पे ओपन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर जाने के लिए कम से कम इस स्टॉक प्राइस के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये इसके आसपास सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर ये डेफिनेटली अपना जो टारगेट है नीचे का पकड़ेगा, जो कि रहेगा 40 रुपये के आसपास, 40 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो ये रहा टाटा पावर का व्यू, और हम देख लेते हैं फ्यूचर रिटेल का भी व्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर रिटेल जो है उसका भी व्यू हम चेक कर लेते हैं, वो स्टॉक चाहता क्या है, कौन से ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। दोस्तों ये जो ट्रेंड है फ्यूचर रिटेल का, ठीक है, 111 रुपये के ऊपर आसपास ट्रेड कर रहा है। एसजेक्स निफ्टी जो है अभी नीचे है, तो ये डेफिनेटली नीचे खुलना चाहिए। और इसका जो सपोर्ट बन निकल के आता है वो 104 रुपये के आसपास है, ठीक है। अगर ये 104 ब्रेक कर गया, ठीक है, तो फिर इसकी बैंड बच जाएगी इस स्टॉक की, मैं आपको पहले ही क्लियर करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये फिर एक डाउन ट्रेंड इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, और इस वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जो स्टॉक है फिर आपको कम से कम एक बेरिश ट्रेंड लाइन के अंदर फॉलो करेगा ये, और फिर ये स्टॉक जो है कम से कम फिर आपका नीचे की तरफ कम से कम 100 रुपये के आसपास जाएगा, 100 रुपये के आसपास। कंडीशन यही है कि 104 को ब्रेक ना करे, 104 रुपये के आसपास ब्रेक ना करे, और 104 के आसपास इसको सपोर्ट मिले। 104 के आसपास सपोर्ट मिला, ठीक है, तो फिर ये 100 यहाँ से इस तरीके से ये उठ सकता है और वापस रीफिल कर सकता है अपने एक, और दोबारा जा सकता है 112 रुपये के आसपास। और फिर इसका टारगेट कम से कम आपको 100, ये टारगेट जो है आपको कम से कम पहला ये आपको मिल सकता है यहाँ पर 110 रुपये के आसपास आपको जाता हुए दिख सकता है 104 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो। तो आई होप कि आपको क्या करना है इन दोनों स्टॉक्स में आपको पता लग गया होगा, निफ्टी में क्या करना है ये पता लग गया होगा। अब बैंक निफ्टी की लास्ट में बात कर लेते हैं बस, और उसके बाद मैं कल डायरेक्ट मिलूँगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी दोस्तों देख लेते हैं क्या कहाँ पे खड़ा है, क्या चाहता है बैंक निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी एक ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी भी सेम वैसे ही ट्रेंड में है, ठीक है। इसके अंदर दो ट्रेंड लाइन अभी मुझे दिख रही हैं बेसिकली, एक तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि
बेरिश थी लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में गया, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका जो लेवल है निकल के आ रहा है, ठीक है, वो निकल के आ रहा है ये वाला। वो क्या निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है दोस्तों ये वाला, ठीक है। तो ये लेवल है आपका 20,800 के आसपास, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा 20,800 का लेवल अगर टूटा तो लंबा गिरेगा फिर मार्केट, और फिर ये नहीं बचेगा, और फिर ये इसको अगला लेवल जो मिलेगा ना, फिर ये अगला लेवल आपको, फिर आपको बुलिश नहीं होना अगर 20,800 टूटता है तो। फिर 20,500 का लेवल ये डेफिनेटली जाएगा, और फिर आपका ये डेफिनेटली नीचे की तरफ इस वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा, और फिर ये ट्रेंड लाइन जो दिखा रही है वो 10,250 का दिखा रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो एक बात हुई डाउन ट्रेंड की, लेकिन क्या डाउन ट्रेंड सच में रहेगा ये तो मार्केट लाइव बताएगा। लेकिन आपको लेवल्स जो हैं वो याद रखने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 10,090 के आसपास, तो बैंक निफ्टी भी 10,800 के आसपास या 10,900 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और जब ये डाउन ट्रेंड में मतलब गैप डाउन खुलेगा तो इस सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेने के बाद दोबारा वापसी कर सकता है, और फिर मार्केट 21,400 की तरफ 21,500 की तरफ बैंक निफ्टी का भी इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन दोस्तों 10,850 अगर टूटता है तो फिर मार्केट में आपको नीचे के टारगेट से मिलेंगे। अगर 10,850 के आसपास से सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर वहाँ पर आपको ये ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे जो कि 10,500 तक के हैं, 21,400 तक के यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। चारों कंडीशन में लेवल्स आपने लिख लिए होंगे। सपोर्ट टूटता रहता है तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट जहाँ जहाँ पे मिल सकता है मार्केट को वो भी मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट के आसपास से मार्केट दोबारा कहाँ तक जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो लेवल्स वाली जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको यहाँ पर अपडेटेड व्यू मिलेंगे मार्केट में इस चैनल के ऊपर। और तब तक मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट में, उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, और मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू।